इकोसिस्टम्स हमारे पर्यावरण के काफी बड़े और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल भाग हैं। इस वीडियो में हम इनकी इसी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इकोसिस्टम के विभिन्न पहलू किस प्रकार एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम्स दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बने होते हैं, बायोटिक यानी सजीव और अबायोटिक यानी निर्जीव। आइए पहले अबायोटिक कॉम्पोनेंट के बारे में बात करते हैं। सूरज की रोशनी, बारिश, सॉइल कॉम्पोजिशन, तापमान और एयर करंट्स, ये सभी अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स के हिस्से हैं, जिन्हें किसी भी इकोसिस्टम में देखा जा सकता है। हालांकि ये सभी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे एक दूसरे से किस प्रकार इंटरेक्ट करते हैं वो भी उनके एनवायरमेंट पर काफी प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेसिपिटेशन हमेशा बारिश के रूप में ही होता है, क्योंकि यहाँ का तापमान काफी हाई होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानों जैसे कि टेम्परेट फॉरेस्ट्स में, जहां तापमान में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, विभिन्न प्रकार के प्रेसिपिटेशन देखे जा सकते हैं। हालांकि दोनों स्थानों पर बहुतायत में पेड़ होते हैं, लेकिन वहां की टेम्परेचर रेंज में पाए जाने वाले अंतर की वजह से दोनों जगहों पर विभिन्न प्रकार का प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की विविधता का असर स्थानीय वाइल्ड लाइफ पर भी पड़ता है, जो कि हमारा बायोटिक कॉम्पोनेंट है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी प्रजाति किस इकोसिस्टम में सर्वाइव कर सकती है। किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक कॉम्पोनेंट्स भी एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स की तरह ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जिस प्रकार विभिन्न ट्रोफिक लेवल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ट्रोफिक लेवल्स के अंतर्गत जानवरों को उनकी फूड प्रेफरेंसेस के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे नीचे वाले ट्रोफिक लेवल में हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जानवर होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं। अगले ट्रोफिक लेवल में वे जानवर आते हैं जो हर्बीवोर्स और पेड़ पौधों दोनों को खाते हैं। इन्हें ओमनीवोर्स या सर्वाहारी कहते हैं। सबसे ऊपर वाले ट्रोफिक लेवल पर जो जानवर होते हैं वे हैं कार्निवोर्स यानी मांसाहारी, जैसे कि भेड़िये, शेर, चील आदि। इनमें से हर ट्रोफिक लेवल एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिएक्ट करता है। डायरेक्ट इंटरेक्शन के केस में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, जैसे कि एक बाज पेट भरने के लिए चूहे को खाता है। इनडायरेक्ट इंटरेक्शन को देख पाना थोड़ा मुश्किल है। ये अक्सर तब होता है जब इंटरेक्ट करने वाले दो ट्रोफिक लेवल्स के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्व्ड हो। पिछले उदाहरण को देखें तो एक चूहा नॉर्मली बेरीज खाता है, इसलिए ये बेरीज तभी अच्छे से ग्रो करेंगी जब बाज कुछ चूहों को खा जाएगा। तो इस उदाहरण में हमारा इंटरेक्शन हुआ बाज का चूहों को खाकर बेरीज की ग्रोथ में सहायता करना। तो बताइए आपके हिसाब से किस ट्रोफिक लेवल के बाकी लेवल से सबसे ज्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन होते हैं। वीडियो को रोकिए और सोचिए। अगर आपका जवाब है इंटरमीडिएट ट्रोफिक लेवल, जिसमें ओमनीवोर्स शामिल हैं, तो आप सही हैं। ओमनीवोर्स अन्य दो ट्रोफिक लेवल्स की तुलना में कई अधिक ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। उनके आहार में इस विविधता की वजह से अन्य ट्रोफिक लेवल्स की तुलना में ज्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन होते हैं। एक इकोसिस्टम में अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में भी इंटरेक्शंस हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण है जब एक भयानक तूफान की वजह से जंगल में आग लग जाती है, जिससे कि जंगल के भीतर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट बदल जाता है।